please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. मध्य प्रदेश में लाखों फर्जी वोटर कार्ड मिलने के कांग्रेस के आरोपों को चुनाव आयोग ने खारिज कर दिया है। कांग्रेस की शिकायत के बाद चुनाव आयोग की तरफ से बनी जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है और इस जांच रिपोर्ट के मुताबिक फर्जी मतदाताओं को कोई मामला नहीं मिला है। जांच रिपोर्ट में दावा यह किया गया है कि एक ही मतदाता की दो बार एंट्री को 2015-16 में ही काफी हद तक ठीक किया जा चुका है और अब दो बार एंट्री के सिर्फ 7 लाख मामले ही रह गए हैं। कांग्रेस ने अपनी शिकायत में 60 लाख फर्जी मतदाता होने का दावा किया था। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में दो पुलिस वाले एक आदमी को बुरी तरह डंडों से पीटने लगे। इस दौरान वहां मौजूद एक महिला दोनों पुलिस वालों के सामने उस आदमी को छोड़ने की गुहार लगाती रही, लेकिन बेरहमी से पिटाई का वीडियो वायरल हो गया जिसमें दिखा कि पुलिस की डायल 100 गाड़ी के पास दो पुलिस वाले एक आदमी को डंडों से बुरी तरह पीट रहे थे और जबरदस्ती उसे पुलिस की गाड़ी में बैठाने की कोशिश करने लगे, लेकिन वो आदमी गाड़ी में बैठने को तैयार नहीं हुआ और पुलिस वालों से उसे छोड़ने की गुहार लगाता रहा। हालांकि दोनों पुलिस वाले उस आदमी को बेरहमी से पीटते रहे। इस दौरान वीडियो में एक महिला भी दिखी जो पुलिस वालों के सामने हाथ जोड़कर उस आदमी को छोड़ देने की गुहार लगाती रही। वहीं वर्दी पहने एक पुलिस वाले ने आदमी का गिरेबान पकड़कर उसे सड़क के किनारे धक्का दे दिया, जिससे वो शख्स जमीन पर गिर गया। इसके बाद दोनों पुलिस वाले उस आदमी को वहाँ से उठाकर ले जाने लगे। गुजरात के गांधीनगर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सब्जियां फेंककर राज्य की विजय रूपाणी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। देश के कई राज्यों में जारी किसान आंदोलन का साथ देते हुए कांग्रेस ने यह प्रदर्शन किया और सब्जियां फेंककर गुजरात सरकार पर किसानों की अनदेखी का आरोप लगाया। इससे पहले कांग्रेस के दो कार्यकर्ता वहाँ एक छोटे ट्रक में पहुँचे और उसमें रखी सब्जियों को बाहर फेंकने लगे। ट्रक में सवार लोगों ने कुछ ही देर में सब्जियों से भरे कई थैले जमीन पर फेंक दिए और सरकार के खिलाफ अपना विरोध जताया। इसी दौरान प्रदर्शनकारी जमीन पर फेंकी गई सब्जियां उठाकर नारे लगाने लगे। प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने डीएम के दफ्तर का भी घेराव किया और किसानों से जुड़े मुद्दों पर अधिकारियों का ध्यान खींचने की कोशिश की। यही नहीं, डीएम को ज्ञापन देते वक्त भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हंगामा जारी रखा और डीएम के दफ्तर में ही नारे लगाने लगे। मौके पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने हंगामा कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को वहां से बाहर निकाल दिया, लिहाजा गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ धरना भी दिया। अगर सरकार दलितों को गरीबों को अपना अधिकार देने में निष्फल है तो उसको शासन करने का कोई अधिकार नहीं है। वहीं कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन खत्म होने के बाद कुछ लोग सड़क पर फेंकी सब्जियां उठाकर अपने घर ले गए। ये वही सब्जियां थीं जिन्हें कांग्रेस ने प्रदर्शन के दौरान सरकार का विरोध जताने के लिए फेंका था। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में सरकारी बस और बाइक की टक्कर से हुए हादसे में एक आदमी की मौत हो गई, जिसके बाद नाराज लोगों ने पुलिस की मौजूदगी में ही दो बसों में तोड़फोड़ कर दी। नाराज लोगों का गुस्सा यही नहीं थमा, उन्होंने एक तीसरी बस में भी आग लगा दी। सभी शर्म से इस वक्त हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। क्या खबर आ रही है इस वक्त, वहाँ हालात कैसे है? घटना जो है ये सिवड़ी टाउन के पास हुई है। ये बीरभूम जिले का ये जगह है और नेशनल हाईवे 60 है, जहाँ तकरीबन 40 मिनट जो है रास्ता जो सूचना हमें मिल रही है, बाइक पर 3 लोग सवार थे, उसमें से एक महिला और एक छोटी बच्ची गोद की बच्ची थी। अब जो अभी सूचना आ रही है वो 2 लोगों की मौत वहाँ हो गई है। बाइक पर 3 लोग सवार थे और इस मोटर बाइक और बस के जो टकराव के बाद वहाँ जो पब्लिक भड़की, उसमें से 3 बसों को नुकसान पहुँचाया गया, जिसमें से एक बस को पूरी तरह से जला दिया गया है। नजर बनाए रखिए। राजस्थान के जोधपुर में बस स्टैंड पर खड़ी बस में चढ़कर एक आदमी लोहे की रॉड से तोड़फोड़ करने लगा। आरोप है कि प्राइवेट बस स्टैंड पर बसों के रूट को लेकर दो पक्षों में झगड़ा हो गया, जिसके बाद मौके पर मौजूद 2 लोगों ने एक बस पर हमला कर दिया और एक आदमी बस ड्राइवर की सीट पर चढ़कर लोहे के डंडे से तोड़फोड़ करने लगा। इस दौरान एक और शख्स बस पर लोहे के डंडे से वार करता हुआ नजर आया, जिसके बाद एक आदमी बस में बैठे ड्राइवर को नीचे उतरने की धमकी देने लगा और बस में चढ़ गया। इस झड़प में बस को काफी नुकसान हुआ और बस के सारे शीशे भी टूटकर जमीन पर बिखर गए। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में आयोजित ग्राम चौपाल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। ग्राम चौपाल अभियान के तहत बीजेपी गाँव में अपनी पकड़ मजबूत करने में जुटी है। इसीलिए सीएम योगी ने चौपाल में आए लोगों से पूछा कि उन्हें योजनाओं का लाभ मिल रहा है या नहीं। रसोई गैस के कनेक्शन मिले हैं, जिनको मिले हैं वही हाथ खड़ा करेंगे। इसके बाद सीएम योगी ने गांवों में बिजली पहुंचाने की जानकारी दी और ये जानकर निश्चिंत हुए कि योजना से लोगों को फायदा मिल रहा है। कनेक्शन मिल गए हैं आप लोगों को, क्यों डर रहे हैं भाई, बोलने में क्यों डरते हो?
मुख्यमंत्री ने जब बैंक में खाता खुलवाने की बात पूछी तो वहाँ मौजूद सभी लोगों ने हाथ खड़े कर दिए और इसी तरह बुजुर्ग महिलाओं ने माना कि उन्हें समय पर पेंशन मिल रही है। घर बनाने वालों ने सरकार से मिली रकम की जानकारी दी। मकान बन तैयार बाबूजी, कितना पैसा मिल रहा है? 1200। तो कर्ज माफी के लिए किसानों ने सरकार को धन्यवाद दिया। हमारा आपके माध्यम से 1,00,000 रुपए का ऋण माफ हुआ था। बहुत सुंदर बधाई आप लोगों को। सीएम ने लोगों को गांव के विकास का भरोसा दिया और अधिकारियों को भी योजनाओं को जल्द पूरी करने का निर्देश दिया। न्यूज 18 इंडिया से खास बातचीत में फिल्म अभिनेत्री स्वरा भास्कर ने भी देश में किसानों की हालत पर चिंता जताई। स्वरा भास्कर के मुताबिक कोई भी देश तब तक सही मायनों में विकास नहीं कर सकता जब तक किसान आत्महत्या करते रहेंगे। इतना ही नहीं, न्यूज 18 इंडिया से खास बातचीत में उन्होंने माना कि पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतें आम आदमी से लेकर फिल्मी सितारों तक को प्रभावित करती हैं। जो लोग हमारे डाइनिंग टेबल पे खाना रखने के लिए जिम्मेदार हैं, उनके प्रति हमें भी जिम्मेदार होना चाहिए। पिछले 10-15 सालों से फार्मर सुसाइड का मुद्दा भारत में एक बहुत बड़ा मुद्दा है, तो उसको लेकर हमें कुछ डेफिनेटली करना चाहिए। आई थिंक दैट कोई भी समाज अपने जो बेसिक जो फूड प्रोडक्शन करते हैं उनको इग्नोर करके आगे नहीं बढ़ सकता है। आई थिंक ऑफ कोर्स कि सब लोग जो राइजिंग प्राइसेस हैं उससे सब लोग इफेक्टेड रहते हैं, बट बाकी मैं इकोनॉमिक्स में फेल हुई थी क्लास 11 में, तो मैं कतई कभी भी इकोनॉमिक मुद्दों पे कोई टिप्पणी नहीं देना चाहती बिकॉज मुझे कुछ पता ही नहीं है इकोनॉमिक्स के बारे में। बेंगलुरु में एटीएम से 25,000 रुपए निकालने की कोशिश नाकाम रही लेकिन खाते से पैसे कट गए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने महिला को इस लेन देन से जुड़े 25,000 रुपए देने से ये कहते हुए इनकार कर दिया कि महिला का एटीएम कार्ड उसका पति इस्तेमाल कर रहा था, जबकि बैंक के नियम इसकी इजाजत नहीं देते। SBI ने दावा किया कि अगर ग्राहक एटीएम कार्ड या पिन किसी और को दे देता है तो चाहे वो पति या पत्नी ही क्यों ना हो, इसे सुरक्षा के नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। इसी घटना पर उपभोक्ता फोरम ने भी बैंक की दलील को सही माना और महिला को 25,000 रुपए वापस नहीं मिले। बैंक ने दावा किया कि अगर सुरक्षा के नियमों का उल्लंघन होता है तो ग्राहक को किसी भी फ्रॉड की सूरत में रकम वापस मांगने का हक नहीं है। बैंक ने साफ कहा कि ग्राहक को अपने किसी भी रिश्तेदार के साथ डेबिट कार्ड या ATM पिन साझा करने की इजाजत ही नहीं है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जूनियर वर्ल्ड कप की 50 मीटर राइफल कैटेगरी में शामिल होने के लिए चुनी गई प्रिया सिंह की मदद का ऐलान किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रिया को 4.5 लाख की मदद देने का निर्देश दिया है। मेरठ में के मवाना शहर में 19 साल की प्रिया सिंह जर्मनी में आयोजित होने वाले ISSF जूनियर वर्ल्ड कप में 50 मीटर राइफल कैटेगरी के लिए चुनी गई है। प्रिया के पिता मजदूर हैं और वो काफी समय से टूर्नामेंट में जाने के खर्च को लेकर सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रही थी। 50 मीटर शूटिंग के लिए सुही जर्मनी में उन्हें जाना था। उसके उत्तर प्रदेश के एक प्रतिभावान खिलाड़ी इस टीम के एक सदस्य है लेकिन उसमें धनाभाव के कारण नहीं जा पा रही थी। जब समाचार मेरे सामने आया तो मैंने इस बारे में तत्काल प्रदेश सरकार की ओर से उन्हें 4.5 लाख रुपये की सहायता स्वीकृत किया है। एक होनहार और प्रतिभाशाली खिलाड़ी को धनाभाव के कारण किसी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में शामिल होने से वंचित न होना पड़े, इसके लिए अपने इस दायित्व का निर्वहन करने के लिए हम लोगों ने सहायता की है। भीमा कोरेगांव हिंसा से जुड़ा एक वीडियो महाराष्ट्र की CID ने जारी किया। पुलिस का दावा है कि इस हिंसा के दौरान राहुल नाम के शख्स की हत्या कर दी गई थी जिसके 4 आरोपी अभी तक पकड़े नहीं गए। लिहाजा इन्हीं आरोपियों को पकड़ने के लिए महाराष्ट्र CID ने हिंसा से जुड़ा ये वीडियो जारी किया जिसमें बड़ी संख्या में डंडों से लैस कई लोग एक सड़क पर हिंसा करते नजर आए। इस वीडियो के एक हिस्से में एक पेट्रोल पंप के पास झाड़ियों में कुछ लोग डंडे से एक आदमी को बुरी तरह पीटते दिखाई दिए। पुलिस का दावा है कि डंडे से पिटाई कर रहे इन लोगों ने ही राहुल नाम के शख्स की हत्या कर दी थी, जिनमें 3 आरोपियों को अहमदनगर जिले से पकड़ लिया गया। वीडियो क्लिप से राहुल पटांगड़े को मारते वक्त जो कुछ चेहरे दिख रहे हैं तो उनको अरेस्ट करने का प्रयास है। भीमा कोरेगांव युद्ध की 200वीं सालगिरह के मौके पर नए साल के दिन दलित समुदाय के साथ हिंसा हुई थी जिसके बाद बड़े पैमाने पर आगजनी और तोड़फोड़ की गई थी। सूरत से एक और आग की खबर आ रही है जहां पर पनेसरा इलाके में मारुति मिल में भीषण आग लग गई है। आग की वजह से पूरा इलाका नफरत का बना हुआ है। वहीं आग की वजह से चारों तरफ धुएं का गुबार नजर आ रहा है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग पर काबू पाने में जुटी हुई है।